शुरू में शौक था कि हम भी रेसलिंग करें, क्योंकि देखते थे बड़े पहलवानों को, सुशील को देखते थे कुश्ती लड़ते हुए। तो शौक था कि हम भी रेसलर ही बनना है। तो और पुराने अपने पिताजी के टाइम से सुनते आए थे कि सतपाल पहलवान जी थे, उन्होंने 1982 में गोल्ड जीता था। तो ये हमारे इंस्पिरेशन तो यही है दोनों। मैंने गेम स्टार्ट किया तो गाँव में बोलते थे कि इसको क्यों रेसलिंग करवा रहे हो, पढ़ाई करवाओ। आज तक गाँव से कोई पहलवान बना है क्या जो ये बनेगा? फैमिली का मेरे साथ हमेशा सपोर्ट रहा है। मेरे भाई तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। मैं कैंप में जाता हूँ तब भी, और घर से दूध लेके आना तब भी, मतलब आज शुरू से लेके अब तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मॉर्निंग में हम जूस, दूध, घी, हमारा जो घी दूध होता है वो गांव से आता है तो प्योर होता है वो, तो हम घी दूध ज़्यादा खाते हैं। और फिर बादाम हो गए, जैसे अखरोट। 4:30 पर हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो लगभग 3-4 घंटे हमारी ट्रेनिंग चलती है। तो फिटनेस तो अपने आप ही आ जाती है बच्चों में। पहले तो रनिंग होती है बहुत ज़्यादा, फिर हमारी बाउट होती है रेसलिंग की, उसके बाद हमारा जो रोप वगैरह चढ़ना होता है वो होता है। मारने के बाद ब्रेकफास्ट, थोड़ा खाना खाया, जो अपना दूध जूस पीना होता है, फिर दिन में हम 11 बजे तक सो जाते हैं क्योंकि हमें शाम को जल्दी उठना पड़ता है। 3 बजे फिर ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन 20-22 कंट्री में जा चुके, लेकिन मज़ा तभी आता जहाँ से मेडल जीत के आए, तब तो मन भी करता है घूमने का। इंटरनेशनल खेलना 2008 में शुरू किया था, तो मेरा पहला टूर्नामेंट सब जूनियर एशिया था, उसमें मैंने गोल्ड जीता था। रेसलिंग लीग हमारी स्टार्ट हुई है, इससे अपने इंडिया की रेसलिंग को बहुत फ़ायदा होगा, और जो है हमारे छोटे बच्चे, यूथ बच्चे हैं हमारे, इनको भी सीखने को मिलेगा। इनके मन में भी ये होगा कि हाँ, हम भी अपने परिवार वालों के लिए कुछ करेंगे। पंजाब ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और हमें इस टीम में चुना है। हम यही उम्मीद करते हैं कि उनके लिए अच्छा करेंगे। पहला जो PWL का हमारा कुश्ती स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम जीत के साथ ही शुरुआत करेंगे।